हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए श्री गोल्ड फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से, बातचीत करेंगे, हमें उसको क्या दिखाने वाले और क्या नई जानकारी देने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज हमारे उसका दिखाने वाले हो, सिरोही गुजरी अजमेरी की बकरियाँ हैं, बच्चे भी है। अच्छा, सिरोही गुजरी अजमेरी के, सिरोही गुजरी अजमेरी के बकरी और बच्चे भी है दोनों। अजमेरी तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, सिरोही और गुजरी के बच्चे। सिरोही गुजरी है अपने पास, यानी एक भी अजमेरा इसमें नहीं है। एक भी अजमेरा नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि अगर कोई जैसे सिरोही गुजरी अजमेरा लोग बोलते हैं तो इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी लोग बोलते होंगे। कलर का डिफरेंट है। अच्छा, पूरा धब्बे वाला रहता है। ये सिरोही में आता है, वाइट पैर और वाइट मुंह आता है, और धब्बा भी रहता है, और रेड कलर में भी आता है। अजमेरा अजमेरा में गुजरी के पास आता है। अच्छा, तो ये बात बताइए कि लोग जैसे कि बोलते हैं कि स्पॉटेड में गुजरी में, तो गुजरी में कुछ हाइट लाइन अच्छी बनती है, ग्रोथ अच्छी होती है। आप कौन सा माल सिलेक्ट करके लेके जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब 30-35 किलो की बकरी, 40 किलो की बकरी का बच्चा होगा तो वो उस ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 30-40 केजी वाला अगर बकरी का बच्चा होगा तो जो मतलब कि प्रेग्नेंट फीमेल 30-40 किलो में हो गई है तो उसका बच्चा कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अब जैसे कि ये बकरी है, ये कितने वजन की होगी? ये वजन होगा 25-28 किलो के आसपास। 25 किलो, अगर इससे थोड़ी ऊपर, जैसे ये बकरी है ये तो प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं, ये वाली आगे जो खड़ी है। हाँ, ये भी एक बार प्रेग्नेंट हो सकती है। एक बार प्रेग्नेंट, अब इसका लंबा चौड़ा तो नहीं हो सकता। लंबा चौड़ा बच्चा नहीं आता। अच्छा, और आप इसमें से दिखा सकते हैं कि किसका लंबा चौड़ा बच्चा हो सकता है? ये बकरी खड़ी, ये बकरी खड़ी, ये बकरी खड़ी, ये बकरी कुछ। यानी ऑलमोस्ट सारी बकरी है, बाकी एक दो अगर आपके पास है पट है, जो पट बोली जाती है। अगर पट बोली जाती है लेकिन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, अब ये सब हाइट लेंथ वाली बकरी है, लंबी चौड़ी गैप की बकरी है। तो अगर मान लीजिए अगर इसी बकरी बनाने के लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 14 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं करना है। अच्छा, 14 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं करना है। चलो अच्छी बात है, पकड़े जाएगी। एक बार प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनना बंद हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि बकरियों को कितने महीने में उसको प्रेगनेंसी पे लाना चाहिए? 14 महीने कम्प्लीट। अच्छा, 14 महीना, 14 महीने के बाद प्रेगनेंसी पे लाओ। अच्छा, और बच्चा कब तक दे देती है? बच्चा 5 महीना रखती है पेट में। अच्छा, उसके बाद कभी भी दे सकती है? 5 महीने के अंदर ही दे देगी, 5 महीना 5 दिन ज्यादा ज्यादा। अच्छा, तो ये होता है कि जैसे कि उसको फिर बाद में रिक्रॉस कब किया जाए, मतलब कि रिपीट कब? 3 महीना गैप दे दो। अच्छा, हीट पे कब तक आती है? हीट तो तुरंत आप बकरा छोड़ दोगे तुरंत हीट में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसको 3 महीना गैप दे दो, बच्चेदानी को आराम मिलेगा, आने वाला बच्चे भी तंदुरुस्त मिलेंगे आपको। अच्छा, तो बच्चेदानी को गैप देना थोड़ा जरूरी होता है? जरूरी होता है, बकरी के साथ आप लंबा चलना चाहते हो तो गैप दो, और बच्चे भी उसके साथ हो सकते हैं कि अच्छे फैलाव भी बने। फैलाव में बने, क्योंकि तुरंत ही क्रॉस कराओगे तो शायद एक बच्चा दे दे, दूसरी बार में तो 99% दो ही बच्चे देती है। अच्छा, लेकिन एक बच्चे देने की रीजन भी रहती है। अच्छा, तो सुनने में आता है कि भैया कि सिरोही नस्ल में गुजरी नस्ल का बच्चा निकल जाता है, या तो अजमेरा में सिरोही का, सिरोही में अजमेरा का? तो हमारे लिए तो एक ही नस्ल है। अच्छा, ये तो बाहर वालों ने सब नस्लें अलग अलग करके बोलना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, हमारे तो लाल ने पीली लग रही है। अच्छा, तो बहुत सारी हमने एक कमेंट देखी है कि तो कंप्लेंट भी बहुत सारी की होती है कि कोई बकरी होती है अपना ही दूध पी लेती ना, पीती है ना वो बहुत अलग ही सिस्टम है कि अपने धन उसको वो चालू कर देती है। हाँ, पी लेती, पी लेती। पीना चालू कर देती है, तो उसका क्या हो सकता है कारण, मतलब क्या होता है? कोई कारण नहीं है, वो बकरी की हैबिट में जाता है। अच्छा, फिर भी मतलब कि अगर वो कोई रीजन नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, कोई रीजन नहीं। अब 10 में से 1 आधी बकरी पी रही है तो उसके लिए कोई रीजन थोड़ा अलग निकाला जा सकता है। अच्छा, और जैसे कि बकरी को अच्छी तंदुरुस्त जो बच्चे निकलते हैं, वो ऐसी बकरी हो तो उसके नीचे प्लास्टिक बैग लगा सकते हो क्या? हाँ, उसको कवर कर सकते हो किसी भी तरीके से, जो कपड़ा लगा के, प्लास्टिक तो फाड़ देगी, अगर कपड़ा लगा के या तो कोई भी ऐसे पदार्थ से ढक सकते हो। तो जैसे कि अगर बच्चे है तो उसको फिर केयर कैसे करनी चाहिए अगर बच्चा देता तो? उसके बाद तो 5 दिन अलग रखना है बस। अच्छा, 5 दिन अलग रखना है, माँ से अलग रखना है? माँ दोनों को। अच्छा, माँ बच्चों को दोनों को अलग साथ में इकट्ठा करके रखना है? रखना है वो। तो उसके लिए सेक्शन भी बनाना पड़ता होगा अलग वाला? एक सेक्शन तो रखना ही रखना है आपको, बच्चों के लिए, बच्चे देने के लिए या बीमार जानवर के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात होता है। तो जैसे कि ऐसे बच्चा है, अब छोटा बच्चा है, तो अब ऐसे बच्चे लोग लेके जाते हैं तो ये बच्चे ले जाना अच्छा रहता है कि नहीं? ये बच्चा नहीं ले जाना चाहिए, बच्चा लेके जाना चाहिए, या तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ऑर्डर माल खरीदते हैं। अच्छा,
बच्चा ऐसे इस साइड में लेके जाना चाहिए। अच्छा, ये जो बकरी खड़ी पट है तो इस साइज का लेके जाना चाहिए, चाहे मेल ले जाए चाहे फीमेल ले जाए? फीमेल ले जाओ। अच्छा, 33-40 किलो, 30 किलो। अगर किसी का बजट कम है, कम से कम इस तक जाना चाहिए। अगर इस टाइप का बजट कम हो तो पीस कम कर सकता है ना। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा ले जाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये बच्चा, छोटे बच्चे 50 लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे 30-35 बच्चे लेके जाए ना। हाँ, अच्छा, तो मान लीजिए अगर ये छोटा बच्चा अगर ऐसा लेके जाए कोई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको क्या क्या बातों का सावधानी रखनी चाहिए? उसके लिए उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा माँ से छिनके लाते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावरफुल नहीं रहती। अच्छा अच्छा, अब ये माँ का दूध कम्प्लीट पी हुई है, बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी पावरफुल है, मार जुड़ के खा लेगी। तो अधिकतर देखने में आता है कि अगर ये साइड की अगर बकरिया होगी, पट होगी, तो ये तो दांत पकड़ लेती है। नहीं नहीं, दांत नहीं पकड़ती। और अगर बकरा होता तो अदंत रहता है। अदंत है ये पट, अदंत है अभी तो नहीं। अगर मान लीजिए साइड में भी लोग दो साइड दो दो चार दांत हो जाती है, छह छह दांत भी हो जाती है, तो वो जल्दी क्रॉस हो गई होगी, किसकी हो गई होगी ना, तो वो हाइट ही नहीं पकड़ती। क्रॉस होने के बाद हाइट नहीं पकड़ेगी। चलो अच्छी बात है। तो जैसे कि अगर कोई मान लीजिए ऑर्डर देना चाहता है आपको, तो क्या तरीका है? 20% एडवांस लेते हैं। 20% एडवांस, बाकी वजन होने के बाद लोडिंग टाइम पे। और ये ऑनलाइन करना पड़ता है कि यहाँ पर आने के बाद? ऑनलाइन करो या आने के बाद करो। और पेमेंट किस रूप में आप एक्सेप्ट करते हैं? कोई भी एक्सेप्ट, पेमेंट के जितने भी रूल्स है, नॉमिनेशन है गवर्नमेंट के, वो सारे तरीके ऑनलाइन, चाहे फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, चाहे चेक दे दो, चाहे डीडी बना दो, कुछ भी करवा दो, कुछ भी करो, या तो हवाला भी करवा दो। चलो अच्छी बात है। तो आपका एड्रेस बता दीजिए, लोकेशन। हमारा फार्म अजमेर में ही है, जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पे है जी, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर। अच्छा, किस नाम से? श्री गोट फार्म और BRS श्री गोट फार्म। अच्छा, दोनों एक ही है। आपका बोर्ड दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं ना। अच्छा, जैसे अब जैसे कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, श्री गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ओके ओके, तो ये प्राइवेट लिमिटेड का जो एक्चुअल मतलब होता है कि एक रजिस्टर्ड फार्म होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है। तो आपके पूरा सर्टिफिकेट है? हाँ सर्टिफिकेट है, व्हाट्सएप पे आप लेना चाहते हो ले सकते हो, और सही BRS श्री गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड लिख के ऑनलाइन चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट में चेक करने आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना, BRS श्री गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड। ये तो बड़ी ऑनेस्टी वाली बात है। और आपके पास भी वैसे माल सेल आउट होता रहता है, आपके पास ऑर्डर एनी टाइम रहते हैं, वो तो सीधी सी बात है, आपका जेन्युइन व्यापार है और आपका ईमानदारी। अभी माल चल रहा है, उड़ीसा जा रहा है, 43 बकरे रस्ते में चल रहा होगा, रस्ते में चल रहा है अभी, रायपुर, क्योंकि पिछला वीडियो हमने बनाया था उस टाइम पे माल था, अभी नहीं है, नहीं है। उस सेक्शन में था, खाली हो चुका है, जैसे माल लोडिंग हो चुका है, रायपुर निकल गया है, रायपुर अभी पहुंच गया है। चलो बढ़िया है, यानी कहने मतलब कस्टमर नहीं आता तो माल तो निकल ही जाता है हमारा, उसने पैसा दिया तो माल मिलना पक्का है। तो एक लोग बात बोलते है ना कि आपका माल बिक चुका होता है तो आप वीडियो बना के दिखाते क्यों भाई? हमारा काम पूरा ऑर्डर से, अब सबकी रिक्वायरमेंट तो हम रख नहीं सकते, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बच्चे वाली बकरी चाहिए, किसी को प्रेग्नेंट बकरी चाहिए, किसी को ब्रीडर चाहिए, किसी को ये चाहिए, तो सबका माल रखना पॉसिबल नहीं होता है। सही बात बोली, बिल्कुल सही बात है। चलो बहुत अच्छी जानकारी थी, ये थी कुछ जानकारी, ये भी कस्टमर का ऑर्डर ही चल रहा है। चलो बढ़िया बात है। ये बकरियां रखते हैं हम, हाँ बकरियां प्रेग्नेंट बकरियां देखने मिलती है वो हमारे फार्म पे रहती है, फार्मर होने के बावजूद भी आप बच्चे नहीं रख रहे हो, सिर्फ बकरियां रख रहे हो। चलो अच्छी बात, हम तो बोलते ना भाई प्रेग्नेंट बकरी से आप बिजनेस करोगे तो ही सक्सेस 100% होगे। वो भी 20। चलो बढ़िया बात। तो ऐसी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जो दबा देना। तो आप करते रेट की बात, आप रेट किस हिसाब से अलॉट करते हो? 280 रुपये किलो बकरा देते हैं और 250 रुपये किलो बकरी देते हैं। अच्छा, सिरोही, गुजरी और अजमेरी, जो ये माल खड़ा है अभी। हाँ, सिरोही, गुजरी, अजमेरी, तीनों तीन ब्रीड एक ही रेट है। चलो बढ़िया है। और नक्शे लेना चाहते हो, नक्शे ही मिल जाएगा, वो आपको यहाँ आके पसंद करना, वो आपका पसंद होने के बाद आपको नंग के पैसा पता चलेगा। चलो बढ़िया बात है। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नई जानकारी से लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।